हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू माय चैनल. तो आज का बेसिक जीके का सेशन है. तो बेसिक जीके में मैं आज बहुत सिंपल और बहुत सुंदर चीज़ें जिससे मैक्सिमम टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया. बेसिकली इंडिया के उच्च, जिसको आप बोल सकते हो, वाटरफॉल्स, वो कौन कौन से हैं. तो आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन वाटरफॉल पे आता है. हाईएस्ट वाटरफॉल्स पूछे हैं. तो सबसे पहला हाईएस्ट वाटरफॉल जो हम करने जा रहे हैं, देखिए, दैट इज़ द टॉप 10 वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया. टॉप 10. तो सबसे पहली चीज़, अब मैं हमने ये पढ़ा है कि अभी तक, पहले हम बहुत पहले पढ़ते थे जॉग फॉल्स, ठीक है, फिर उसके बाद दूध सागर आए, फिर उसके बाद कई वाटरफॉल्स आए. लेकिन अभी रिसेंटली रिसेंटली एक और हाईएस्ट वाटरफॉल देखा गया है कि ऑफिशियली, कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं, हमने ये पढ़ा है कि कुंज कलाई इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया. दिस टाइम कुंज कलाई जो है कर्नाटका में, वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है. लेकिन रिसेंटली ये अपडेट किया गया है कि जो हाई, आपको कहीं भी साइट्स पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको पहला कुंज कलाई ही दिखेगा. लेकिन अभी जो है रिसेंटली अगर आप चेक करो तो हाइट वाइज अगर हम देखें तो भंबवली वज्राय वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया. देखिए ये क्या है आपका, इसमें हम देखते हैं. देखिए, वाटरफॉल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव और फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन. वाटरफॉल्स इतने अच्छे लगते हैं. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है भंबवली वज्राय वाटरफॉल. भंबवली वज्राय वाटरफॉल जो है इस टाइम पे हाईएस्ट वाटरफॉल नोट किया गया है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया. अभी तक इतना नहीं है, साइट्स पे अगर आप देखोगे तो आपको कुंज कलाई ही मिलेगा. बट अगर इसकी हाइट के बेसिस पे हम यही मान के चलते हैं, अगर आपको पेपर में आता है, अगर वजवराई का नाम नहीं दिया गया है, देन कुंज कलाई इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल. लेकिन अगर साइट्स की, अगर हाइट के बेसिस पे देखा जाए, तो अभी जो नोटिस किया गया है भंबवली वज्राय वाटरफॉल, जो कहाँ पे है, उर्मौड़ी नदी पे है. किस नदी पे है? उर्मौड़ी नदी पे है. कहाँ पे है? सतारा में. सतारा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है. तो ये एक चीज़ याद रखना, इसकी जो हाइट है दैट इज़ 560 मीटर्स और 1840 फीट लंबा है. इसकी खास बात क्या है? जो ये महाराष्ट्र के, ये किस महाराष्ट्र के, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, इसके आसपास जो है कास वैली है. कास पत्थर पे बनी है एक वैली, दैट इज़ कॉल्ड कास वैली. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. तो ये जो वाटरफॉल है, इसकी सबसे बड़ी चीज़ है, ये थ्री स्टेप्स पे है. ये जो है थ्री स्टेप्स पे. कहा जाता है कि एक ऋषि थे, उन ऋषि ने इस जगह को तीन स्टेप्स पे कवर किया था, जिसकी वजह से ये वाटरफॉल जो है ये थ्री स्टेप्स. तो अगर हम इस पिक्चर पे देखें, ये आपका वाटरफॉल है जो थ्री स्टेप्स पे है, एक दो और ये, और एक नीचे, ठीक है. ये तो इस टाइम पे वजवराई को जो है नोटिस किया गया है. अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इसकी हाइट जो है दैट इज समुद्र तल से 560 मीटर्स है, और कितने फीट लंबा है ये? 1840. तो आप मान के चलिए कि दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया नाउ डेज. दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल, इसको नोट किया गया है. कुंज, अगर आपके पेपर्स में अगर हाईएस्ट वाटरफॉल का क्वेश्चन आता है, वज्राय वाटरफॉल नहीं दिया गया है, तो कुंज कलाई इज द हाईएस्ट. आप साइट्स पे चेक कीजिए, अगर किसी को डाउट होता है तो पूछ लीजिए. कल इसी पे सर्च मैक्सिमम की है कि वज्राय या कुंज कलाई. तो हाइट वाइज भी देखा जाए तो इसकी हाइट कितनी है? टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया एंड हैविंग थ्री स्टेप्स. स्ट्रेट क्लिफ है, तीन स्टेप्स पे है, सीढ़ीदार बना हुआ है. ये देख लीजिए, ये पिक्चर है. और ये किस नदी, इसका जो सोर्स है दैट इज उर्मौड़ी नदी. किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. और इसके आसपास जो है दैट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स भी है और कास पत्थर वैली भी है. मोस्ट अट्रैक्टिव साइट्स. तो इस, ये सबसे इस टाइम पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है. तो ये याद रखना कि हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है. नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं. देखिए, अभी हमने दिस इज द कुंज कलाई वाटरफॉल, दिस इज द कुंज कलाई वाटरफॉल, दिस इज, हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल. लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वज्राय की ही, अगर वज्राय की हाइट 560 मीटर्स है और इसकी हाइट 455 है, तो आपके हिसाब से हाईएस्ट कौन सा हुआ? 560 मीटर्स और 1840 मीटर्स उसकी हाइट है और इसकी है 1493 फीट. तो
आप हाइट के बेसिस पे देख लीजिए, तो हाईएस्ट हाइट किसकी सबसे ज्यादा है, वज्राय की। दिस इज द कुंज कुलाय। आपसे पूछा जा सकता है कि कुंज कुलाय वॉटरफॉल कहाँ पे है, वो कर्नाटका में है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहाँ पे लोकेटेड है, ओगंबे रिवर, ओगंबे जो है जगह है उधर पड़ा है, और ये इसका जो सोर्स है दैट इज वराही रिवर। तो आपने देखा कि जो हमने वज्राय पढ़ा उसकी है उरमौड़ी, सतारा में है, और आपका जो है महाराष्ट्र में है, दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल एंड 3 स्टेप्स में है। दूसरा आपने पढ़ा कुंज कलाई, कुंज कलाई का मतलब है कर्नाटक, के से कुंज कलाई, के से कर्नाटका, कर्नाटका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा, कहाँ पे, अगम्बे वैली जो है वहां पे ये कुंज कुलाय वाटरफॉल है, दिस इज द कुंज कुलाय वाटरफॉल, ठीक है। और ये जो कुंज कुलाय वाटरफॉल है ये किसका सोर्स है, वराई रिवर का सोर्स है, किस वराई रिवर का, और ये जो अगम्बे वैली है दैट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन कर्नाटका रीजन, कर्नाटका रीजन में सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल कहाँ पे होती है, अगम्बे वैली में। और यही कुंज कुलाई ही एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे ओनली परमानेंट रेन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर स्टेशन इन इंडिया, जो कुंज कुलाई में ये जो आपका ओगंबे वैली के पास जो परमानेंट फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है, शिमोगा की ओगंबे वैली, जहाँ पे कुंज कुलाई वाटरफॉल है। तो इसकी हाइट तो आपको देख लीजिए, कुंज कुलाई की हाइट 455, किस वैली पे है, ओगंबे वैली पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिमोगा में है, कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में है, फॉर परमानेंट रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है, वो भी कर्नाटका में, किस जगह पे पड़ता है, कुंज कुलाय वाटरफॉल्स के पास पड़ता है, इसकी हाइट 1493 है, दैट इज 455। तो अब हाईएस्ट कौन सा हुआ, वज्राय। तो दिस इज द लोकेशन और दिस इज द, आजकल देखिए वाटरफॉल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग दूर दूर से देखने जाते हैं, ठीक है। तो इट्स द मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आज इंडिया के किए हैं तो फिर हम वर्ल्ड के भी करेंगे। आपको पता है वर्ल्ड का कौन सा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका एंजल, जो कि कहाँ पे है, वेंजुला में, तो हम ये भी करेंगे। तो ये टॉप 10 में सेकंड, तो ये कौन सा बन गया आप, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल, बरहे पानी फॉल्स जो है दैट इज ऑल्सो इन मयूरभंज, कहाँ पे, आपका उड़ीसा में। बरहे पानी जो फॉल्स हैं ये कहाँ पे है, किस स्टेट पे है, ओडिशा में है, ओडिशा की कौन से, आपको पता है ये भी याद रखना, सिंपली पाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, ओडिशा में है, ठीक है। ये किस नदी का सोर्स है, बुध बलंगा रिवर का ये सोर्स है, और ये कहाँ पे गिरता है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो देखिए अभी हमने 3 किए, एक या वज्राय जिसका सोर्स है आपका उरमड़ी रिवर, कुंज कलाई का सोर्स है आपका कौन सी रिवर, वराही रिवर, और अब हमने किया है बरहे पानी रिवर। तो बरहे पानी का सोर्स क्या है, बुध बलंगा जो है एक रिवर है, उसका सोर्स है सिंपलीपाल के पास है, ओडिशा के पास है। तो दिस इज द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ठीक है। तो अभी तक आपने देखिए कैसे याद करना है, अगर इसको याद करना है तो वज्राय, देखिए महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से हम गए कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में कुंज कुलाय, इस पे आपका महाराष्ट्र में वज्राय, फिर कुंज कुलाय, फिर हम गए उड़ीसा, उड़ीसा में हमने बरहे पानी देखा जो कि बुध बलंगा रिवर का सोर्स है, कर्नाटका में हमने कौन सी रिवर देखी, वराही रिवर देखी, जिसपे कौन सा सोर्स है आपका, कुंज कुलाय, कितनी हाइट है, 1493 फीट है, कितना है, 455 है, महाराष्ट्र वज्राय 560 है, 1840 हाइट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स पूछी जाती हैं, हाइट पूछी जाती हैं, सोर्स पूछा जाता है, उड़ीसा में बुध बलंगा है, आपकी हाइट 1309 फीट है, और किस नेशनल पार्क के पास है, आपका सिम्पलीपाल। और अगर हम ओगंबे की बात करें तो ये जो कुंज कुलाय है यहाँ पे परमानेंट रेन फॉरेस्ट स्टेशन भी है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं भाई। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे या चैट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि आपको ये सेशन, अगर किसी को डाउट होता है तब भी बता देना, और सेशन के साथ बने रहना एंड तक, बिकॉज देयर इज अ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एट द एंड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोह कलाय, नोकलिकाय फॉल्स, नोकलिकाय फॉल्स कौन से हैं, दिस इज द नोकलिकाय,
जब कुंचकलाए नहीं आए, वज्राए नहीं आए, भरे पानी नहीं आए, तो तब हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा था आपका? नो नोकलीकाय फॉल्स, नोकलीकाय फॉल्स। अब इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट ये कहाँ पे है? ये शिलोंग प्लेट्यू के पास आपका खासी हिल्स में पड़ता है, मेघालय में। इसको बोलते थे सबसे पहले हाईएस्ट वाटरफॉल्स। तो अगर देखिए, आपने पढ़ा 1840 हाइट, फिर आपने पढ़ी 1493 फीट, फिर उसके बाद आपने पढ़ा 1300। अब इसकी हाइट कितनी चलेगी है? 115 मीट। देखिए हाइट फीट, और उसका ये पड़ गया आपको 340 का, ठीक है? तो ये कहाँ पे है? अब नोहकलिकाय, नोहकलिकाय, नो से याद करो, नोहकलिकाय मीन्स आपका खासी हिल्स। खासी हिल्स मतलब मेघालय। मेघालय को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ क्लाउड्स, ठीक है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? चेरापूंजी की माहेश्वरम में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है, माहेश्वरम में। तो ये कहाँ पे पड़ता है? खासी हिल्स में। तो ये कहाँ पे है? चेरापूंजी में है। चेरापूंजी में है, तो सबसे वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज, सबसे गीला प्लेस अर्थ में कौन सी है? ईस्ट खासी हिल्स। मेघालय जो है वो तीन हिल्स पे डिपेंड करता है, गैरो, खासी एंड जांतिया, ठीक है? तीन हिल्स पे। किस प्लेट्यू पे है? शिलोंग प्लेट्यू पे है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? नॉकरेक, ठीक है? तो उस पे जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है, दैट इज कॉल्ड खासी प्लेस, और जिसके अंदर ये नोहकलिका है, जिसकी हाइट कितनी है आपकी? 111 1115 फीट और 340 फीट, मेघालय में है। और वेटेस्ट प्लेस भी, ये देखिए इससे क्वेश्चन की नोहकलिका कहाँ है? मेघालय में है। कुंचकलाय कहाँ है? कर्नाटका में है। वज्राय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपका भरे पानी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, दिस इज नोहकलिका है। और एक आता है मेघालय में, आपके दो फॉल्स हैं, नोशिंगटिंग थ्यांग। ये क्या है? नोसिंगी थ्यांग फॉल्स जो है, नोसिंगी थ्यांग फॉल्स, दिस इज ऑल्सो लार्जेस्ट फॉल्स। ये भी खासी हिल्स में है। इसकी हाइट और इसकी हाइट में फर्क, ये 40 है तो ये 15, और आपकी 1003। तो आपने अभी तक क्या याद किया? देखिए यहाँ से चलते हैं, अगर हम बात करें तो पहले चले महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का वज्राय जो कि 1840 पे आया, फिर उसके बाद हम कुंचकुलाय जो कि कर्नाटका पे चले, और यहाँ पे हाइट पड़ी 1493 फीट, फिर उसके बाद बरे पानी जो कि है उड़ीसा, वो पड़ा आपको कितना? आपका 1309, ठीक है? फिर आपका आया नोकली नोशी थैंक, ठीक है? ये आपका मेघालय में जो 1115, और ये कहाँ है? ईस्ट खासी हिल्स जो कि सबसे वेटेस्ट प्लेस है। फिर नोशिंग थंग जो कि 1033 फीट है, ठीक है? 315। तो मेघालय में कितने? मेघालय के कितने हो गए आपके? दो, जो कि एक नोकलिका है, अनोशित है, एक है 115 और एक है 1003। एक 340 है तो दूसरा 315। तो ये कहाँ पे है? खासी हिल्स में है, जो कि वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। दीज आर द वॉटरफॉल्स। नेक्स्ट आता है दूध सागर। दूध सागर, ये जो दूध सागर फॉल्स हैं, ये दूध सागर फॉल्स कैसे हैं? जब ये फॉल्स गिरते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मिल्क की तरह इतनी फ्रॉथ होती है। तो ये बेसिकली गोवा का पार्ट है, गोवा में होते हैं ये, ठीक है? इसकी जो पर्टिकुलर लोकेशन है, दैट इज दूध सागर। दिस इज कॉल्ड एज अ लोकेशन, ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है ये फॉल्स। इसकी, इसको सी ऑफ मिल्क, किसे कहा जाता है सी ऑफ मिल्क, किस वाटरफॉल को कहा जाता है? दैट इज दूध सागर, ठीक है? दूध सागर। और ये क्या है? ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है फॉर द गोवा। हाइट कितनी है? 310, और अगर फीट के हिसाब से देखा जाए तो 120, 1000। देखिए अगर आप देखो तो 1840, 1493, 115, 1309, बहुत मार्जिन्स का डिफरेंस है। तो ये इसकी लोकेशन, दूध सागर फॉल्स किस स्टेट पे पड़ते हैं? गोवा में पड़ते हैं, और इसको सी ऑफ मिल्क भी बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड, ठीक है? किस
किनरम फॉल्स, किनरम फॉल्स आप देखिए मेघालय में, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज भी याद करवाती हूँ। किनरम फॉल्स ये 305 फीट की ऊंचाई पे है, सिचुएटेड इनसाइड ब्यूटिफुल फॉर्म। इसके आगे एक पार्क है दैट इज कॉल्ड थैंक खरांग पार्क, ठीक है, ये भी चेरापूंजी में है और खासी हिल्स में पड़ता है। तो ये अनदर पॉपुलर अट्रैक्शन, देखिए खासी हिल्स में चेरापूंजी हाईएस्ट रेनफॉल सबसे ज़्यादा मेंशुरम में होती है। तो इसमें जो है थैंक खेरांग पार्क के पास जो है ये आपका केनरम फॉल्स है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी स्टेट्स की है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, उड़ीसा की, और आपने कौन सी की, मेघालय की, ठीक है, और गोवा की, ठीक है। तो अगर देखिए 1 2 3 4 5, 5 में हमने जो है कवर किया 3 फॉल्स, राइट। तो अब देखते हैं आपका किनरम फॉल्स इस तरह से दिखते हैं। नेक्स्ट आता है मीन मटी फॉल्स। मीन मटी फॉल्स जो है, दिस इज द मीन मटी फॉल्स, इस तरह की लोकेशन है। ये कहाँ पे है, दिस इज द टॉलेस्ट, ये भी एक हाईएस्ट वाटरफॉल्स है इंडिया के, लेकिन केरला का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, आपका मीन मटी फॉल्स, जो कि कहाँ पे पड़ता है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन केरला, जो कि एक साउथ इंडिया की बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये देखिए केरला में आपको कौन सा पड़ा, मीन मटी, ठीक है, मीन मटी, और ये कहाँ पे पड़ता है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, केरला में, ठीक है। फिर आता है थलियार। थलियार जो है इसको रैट फॉल्स भी बोलते हैं भाई, रैट टेल्स, रैट टेल मतलब कि जिस तरह चूहे की टेल होती है वैसे ये फॉल दिखता है। कहाँ पे है, तमिलनाडु पे। 974 फीट इसकी हाइट है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाटरफॉल्स है क्योंकि इसके आसपास क्या है, डार्क केव्स बनी हुई है, और अभी तक इस ये जो प्लेस है दैट इज नॉट एक्सप्लोर्ड, क्योंकि यहाँ पे देर विल बी नो सोर्स टू गो, मतलब कोई ऐसा सोर्स नहीं है, कोई रोड नहीं बनी है कि जो इस जगह पे जा सके। तो तमिलनाडु के ऐसे कौन से फॉल्स हैं जहां तक अभी तक कोई चीज एक्सप्लोर नहीं की है, दैट इज कॉल्ड थलियार फॉल्स, ठीक है। तो वो किस तरह से दिखते हैं, रैट फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं बरकना फॉल्स। बरकना फॉल्स जो है सीथा रिवर इन शिमोगा, इस तरह से बरकना फॉल्स है जो शिमोगा की सीता रिवर को सोर्स देते हैं। ये सिर्फ रेनी सीजन्स में आते हैं, ये वाटरफॉल्स सिर्फ एक्टिवेटेड कब होते हैं, रेनी सीजन्स में। ये भी अगंबे वैली पे है और ये थिक फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री, ठीक है, नॉन एज चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया। चेरापूंजी जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है क्योंकि रेनी सीजन पे होता है, तो चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं, किस फॉल्स को कहते हैं, बरकना फॉल्स, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आपका शिमोगा यानी ओगंबे वैली, ठीक है। तो चेरापूंजी ऑफ साउथ कौन सा है, आपका बरकना फॉल्स, जो कि आपके वेस्टर्न घाट्स के पास आपके कर्नाटका पे पड़ते हैं। नेक्स्ट जोग फॉल्स। जोग फॉल्स जो है ये कर्नाटका में है, शरावती नदी पे है और आपके किस, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 829। चलिए अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपका जो है सेशन थोड़ा सा मैं लूंगी आगे टाइम, प्लीज छोड़ना मत सेशन, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें, आपके हमने कितने 10 वाटरफॉल्स किए, ठीक है, तो अगर इसको ट्रिक से याद करना है तो मैं कोशिश करूंगी ट्रिक बनाने की, एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने, सबसे पहला स्टेट है आपका महाराष्ट्र। वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं पर टॉप 10 निकाले हैं जो सबसे बड़े हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा है वज्राय वाटरफॉल, भौमवरी वज्राय वाटरफॉल, जो कि कहाँ है, उरमौड़ी नदी में, ठीक है। इसकी हाइट 1840 फीट है, 560 mm जो है इसकी हाइट। महाराष्ट्र से आप कर्नाटका में आ जाओ, ठीक है, कर्नाटका में आपने कौन कौन से फॉल्स देखे, कर्नाटका में शिमोगा में, ठीक है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आपके सबसे सबसे पहले तो हाईएस्ट फॉल जिसको आप बोलते हो कुंचकला है, जो कि अगंबे वैली पे है, और कितनी हाइट है, 1493 हाइट है, फोर आपकी इसको मान के चलिए 450, ठीक है। और इसके बाद जो है ये कुंचकला है जिसमें परमानेंट रेन स्टेशन है, ठीक है, आपका फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन है,
फिर उसके बाद आपने पढ़ा, अगर हम और याद करें, कर्नाटका में आपने एक फॉल्स और देखे जो कि जॉग फॉल्स है, जो कि आपके कहाँ पे पड़ते हैं, शरावती वैली और शरावती रिवर पे, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा बरकना फॉल्स। बरकना फॉल्स जो है, जिसको आप क्या कहते हो, ये भी शिमोगा में है, ठीक है, शिमोगा में और गंबे रिवर पे है। ये एक ऐसा फॉल है जो सिर्फ रेनी सीजन में होता है, तो इस फॉल्स को हम चेरापूंजी ऑफ साउथ भी बोलते हैं। तो आपके ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, उसके बाद हमने देखते हैं, चलिए कर्नाटका से हम गए उड़ीसा, नीचे की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। साउथ की तरफ आपने क्या किया, साउथ की तरफ हम गए आपके उड़ीसा। उड़ीसा में एक ही फॉल है, बरे पानी, ठीक है। बरे पानी जो है वो 1309 फीट पे है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बुद बलंगा रिवर पे है और सिंपली पाल नेशनल पार्क के पास है। तो आपके कितने हो गए, 1, 2, 3, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फॉल्स हो गए। उड़ीसा के बाद हम मेघालय गए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, तो नॉर्थ ईस्ट में 3 फॉल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉल आपका है आपका नोहकलाई फॉल्स, नोहकली काय फॉल्स, जो कि कहाँ पे है, ईस्ट खासी हिल्स में है, ईस्ट खासी हिल्स में ही है, जो कि आपकी मेघालय पे पड़ती है, और इसमें ये नोहकली काय फॉल्स है, ठीक है। एक नौशिंगतंग फॉल्स, ये भी आपका ईस्ट खासी हिल्स में है, ये भी मेघालय पे है। देन उसके बाद अगर हम इसकी हाइट देखें, ये है आपका 115, तो ये है आपका 1055, राइट। मेघालय पे एक और है किनरम फॉल्स, ये भी आपका ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है। तो कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गए थे 5, 6 और 7। नेक्स्ट अगर हम फॉल्स की बात करें, तो आप आ जाओ केरला में। केरला में आपको कौन सा फॉल पड़ता है, मीनमट्टी फॉल्स, ठीक है, जो कि केरला के किस जगह पे है, वायनाड, राइट। और फिर एक पड़ा आपका थलियार, जिसको रैट भी बोलते हैं, रैट टेल की तरह है, जिसमें आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी बरकना फॉल्स की, तो इसकी हाइट 250 है, छोटा है ये फॉल्स। अगर हम थलियार की बात करें, तो थलियार ये आ गया। फिर आता है दूध सागर। दूध सागर फॉल्स जो है ये गोवा में है, जिसको सी मिल्क भी बोलते हैं। तो आपके 10 हो गए। महाराष्ट्र का हमने कौन कौन से हाईएस्ट, टॉप 10 कहाँ पे पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं, कर्नाटका में पड़ते हैं, केरला में पड़ते हैं, मेघालय में पड़ते हैं, तमिलनाडु में पड़ते हैं और गोवा में पड़ते हैं। तो आपने कौन सी स्टेट्स की हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट्स। तो 7 स्टेट्स में हमने ये जो आज के वाटरफॉल्स किए, देखिए वाटरफॉल्स में आपको यही पता होना चाहिए कौन है, कितनी हाइट है, किस डिस्ट्रिक्ट पे है, और कुछ नहीं है। पर ये लोकेशन वाइज करवाया है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे। दिस इज फॉर नॉलेज बेसिस, ताकि आपको पता हो। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि जो डिस्कस करनी है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है, और इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि मैंने जो है आपका कल से आपका फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स शुरू हो रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के शेड्यूलिंग, फॉरेस्ट गार्ड की शेड्यूलिंग जो है, मैं आपको बता देती हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं, और ये फॉरेस्ट गार्ड विथ HP पुलिस एंड द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर HP टैट, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। बाकी जितने भी लोग हैं वो देख सकते हैं। तो इसका जो सेशन है वो मैं आपको बता दूं कि ये सेशन क्या है, यहाँ पे नहीं, अगली स्लाइड पे बताती हूँ, ताकि यहाँ पे जगह है मेरे पास। तो सबसे पहले आपका सेशन सुबह जो है शुरू हो रहा है। देखिए कोशिश मैंने पूरी की है, आई एम द ओनली सोली रिस्पॉन्सिबल जो ये कोर्स लेकर आ रहा है, और पूरी कोशिश कर रही हूँ, रात दिन मेहनत कर रही हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आए, आपको सेशंस अच्छे लगे। कोई भी कमी लगती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस शेयर द सेशन। जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी हम लाइव आएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपका फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स जो है, कंप्लीट फॉरेस्ट गार्ड विद HP पुलिस स्टार्ट हो रहा है। इस सेशन को जितना वायरल कर सकते हो कीजिए, जितना शेयर कर सकते हो कीजिए, क्योंकि पूरी मेहनत लगाई है मैंने इस कोर्स को तैयार करने में, ठीक है।
जिसकी वजह से आपकी एक दिन एचपी जीके की क्लास भी नहीं लगी है। तो फॉरेस्ट आपका क्या है, देखिए सुबह 3 से 4 यानी शाम के 3 to 4 आपका सेशन शुरू होगा, जिसमें आपका साइंस का प्रैक्टिस सेशन है, साइंस का प्रैक्टिस सेशन डील किया जाएगा। देख लीजिए मैं आपको फिर बता रही हूँ, और सिलेबस इज 9 to 12 क्लासेस, ठीक है। पहले शेड्यूल को देख लीजिए, 3 to 4 PM आपका साइंस प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जिसमें 9 to 12 का जितना भी साइंस है उसको कवर किया जाएगा, एंड इट्स फॉर 30 डेज क्रैश कोर्स। 30 डेज का क्रैश कोर्स है। इन सारे सेशंस में जितने क्वेश्चन साइंस के हैं वो पूरे डील किए जाएंगे। देन 4 to 4:30 एक सेशन नया इंट्रोड्यूस किया मैंने, एनवायरमेंट सेक्शन फॉर द फॉरेस्ट गार्ड्स एंड द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयर। ये भी साइंस सेक्शन ही है, तो ये सभी के लिए, पर इसको मैंने अलग किया है। एनवायरमेंट सेक्शन जिसमें आपके सिर्फ 13 क्वेश्चन का सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है विद एक्सप्लेनेशन। तो 4 से 4:30 के बीच आपका एनवायरमेंट सेक्शन है। फिर आपकी जो रेगुलर क्लास होती है 5 to 6 डेली बेसिस पे, जैसे मंडे को हिस्ट्री तो ट्यूजडे को साइंस, ठीक है, ट्यूजडे को साइंस। ये साइंस एचपी टैट फॉरेस्ट गार्ड के भी कैंडिडेट्स देखते हैं, जितना देख सकते हो, क्योंकि ये है आपका प्रीवियस पेपर साइट्स, ये प्रीवियस पेपर साइट्स है। तो ये जो आपके सेशंस हैं, देखिए जो चल रहा है वो चलने की आप टाइम टेबल देख लीजिए कि किस तरह से, तो ये सोच लीजिए कि मैंने कितनी मुश्किल से ये सारी तैयारी की है। 5 to 6 PM जो है आपका हिस्ट्री जो चलता था, जैसे मंडे को हिस्ट्री तो ट्यूजडे को साइंस, वेडनेसडे को आपका क्या चलता था पॉलिटी, थर्सडे को इंग्लिश, फ्राइडे को जो था आपका चलता था ज्योग्राफी, लेकिन सैटरडे को 5 से 6 की क्लास होती थी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की, जिसको शफल करके फॉरेस्ट गार्ड की क्लास की जगह उस दिन कर दी है रीजनिंग कम हिंदी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, हर फ्राइडे जो है आपकी रीजनिंग कम हिंदी क्लास जो है 5 से 6 बजे लगेगी, क्योंकि टाइम को कंपनसेट करना था। तो हर हफ्ते, हफ्ते में एक बार आपकी रीजनिंग और हिंदी, जिसमें तीनों सेशंस पर ये सारे प्रीवियस आएंगे, 5 से 6 की क्लास, फिर 6 से 7 आपका इंग्लिश डिटेल, इंग्लिश डिटेल सेशन है, जिसमें आपको नाउंस प्रोनाउंस एवरीथिंग आपको मिलेगा। 7 से 8 का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज ये है आपका एचपीजी के प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन का मतलब है जितने प्रीवियस पेपर्स हैं उनको दोबारा से आपके आगे लेकर उनके प्रैक्टिस को करवाया जा रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि इनमें पेपर्स ही आएंगे। जितने आज तक हिमाचल जीके के क्वेश्चन जितनी बुक्स में हैं, ये प्रैक्टिस सेशन वो ही लेकर आएगा। 7 से 8 की क्लास जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है, हर एक बच्चे के लिए, कि पहले हम पेपर्स को डील करेंगे, जितने पेपर्स में एचपी जीके के क्वेश्चंस आते हैं विद एक्सप्लेनेशन वो डील किए जाएंगे, एंड देन अबाउट जिसको डिटेल में पढ़ना है वो 8 से 9 की क्लास, 8 से 9 की क्लास एचपी जीके की देख सकता है, दैट इज द डिटेल वर्शन। डिटेल जिसको तैयारी करनी है वो ये सेशन और ये सेशन जरूर देखे। आई होप कि आपको टाइम टेबल अच्छा लगे। 8 से 9 की क्लास में आपका एचपीजी के डिटेल दिया जाएगा, जो आपका एचपीजी के डिटेल है उसको डील किया जाएगा, ठीक है। जिसने एचपीजी के प्रैक्टिस सेशन कर लिया, और जिसको लगेगा कि एचएस के कैंडिडेट्स है तो डिटेल सेशंस करें। 9 से 10 का सेशन जो है दैट इज द प्रैक्टिस सेशन फॉर द फॉरेस्ट एंड द पुलिस गार्ड स्टूडेंट्स, जो कि पूरा पेपर बेस्ड है, मतलब पेपर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेशन है जो 9 से 10 चलेगा। तो आप ये सोच लीजिए गाइस, अगर आपको इस चैनल पे बनना है और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, तो 3 to 10 PM यू आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन द सेशन। मैंने अपने आप को पूरा इन्वॉल्व किया हुआ है कि इन सेशंस में जितना बेस्ट हो सकता है दूं, तो 3 से 10 बजे तक। हाँ, अब इसमें एक चीज बात आती है, आपकी रीजनिंग मैथ्स और हिंदी ये 5 to 6 PM का सेशन हर फ्राइडे, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे देर विल बी अ सेशन ऑफ रीजनिंग मैथ्स, जो कि 5 से 6 लगेगा, क्योंकि वो सेशन आपका खाली हो रहा है, वो सेशन आपका जा रहा है रेगुलर सेशंस में 9 से 10। तो वो सेशन पे मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था, इतना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने रीजनिंग मैथ्स और हिंदी आपका 5 से 6 का सेशन दे दिया है।
ये आपका फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स है। तो फॉरेस्ट गार्ड में कल से आपकी क्लासेस 3 बजे से लग रही हैं, जिसमें साइंस एनवायरनमेंट सेशंस आपके 4। देखिए हर सेशन, में क्वेश्चंस इजी से एडवांस लेवल पे जाएंगे। कोशिश मेरी पूरी है कि सारे सेशंस को कंपाइल करके, जब अगर आप शेयर करते हो, आपका काम है शेयर करना, रिकमेंड करना, अगर आपको मेहनत दिखती है तो। सुबह करंट अफेयर्स का सेशन चलेगा जो आपका चलता है, 5 बजे के सेशन जो चलते हैं, 8 बजे का सेशन जो चलता है वो वैसे ही चलेगा, लेकिन इसमें फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस भी शुरू की हैं। तो जो HPGK के सेशन है वो डबल हैं, HPGK का सेशन डबल। जैसे इंग्लिश डिटेल है वो आपका डिटेल वर्जन है, इसका प्रैक्टिस सेशन आपको हर थर्सडे मिल रहा है। जिसको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है वो भी चल रही है, बाद में जब हमारा डिटेल खत्म होगा तो ये भी प्रैक्टिस सेशंस में। जैसे जैसे आपका ये सेशंस खत्म होते जाएंगे, और अगर आपने शेयर किया, रिकमेंड किया चैनल को, तो बहुत जल्दी अगर हम लाइव आए तो इनके जो है हम कंपाइलेशन आपके आगे लेकर आएंगे। कोशिश पूरी की है गाइस, आप प्लीज इस सेशंस को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, और कल से 3 बजे से क्लासेस देखना शुरू कीजिए। इट्स फुली अपडेटेड वर्शंस, हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, मैंने कोशिश पूरी की है। कोई ऊंच नीच रहेगी तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर सेशंस अच्छे लगते हैं, अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो बस इतना सा है कि आप सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। कोई गलती हो जाती है तो मैं पहले कहती हूँ माफी चाहूंगी, क्योंकि सेशंस डील करने हैं, प्रॉपरली डील किया है मैंने। आपको कहा है कि 15, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, और आपके सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, वैसे तो किसी को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता, बट अगर सपोर्ट के लिए कि हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, तो मैंने अपनी कोशिश की है। आपको जहां से नॉलेज मिलती है बस आप ग्रैब कीजिए, ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो गाइस कल से देखते हैं कितना आप मेरे चैनल पे शेयर करते हैं, कितना वीडियोस को रिकमेंड करते हैं, कैसे आपको सेशंस लगते हैं, चैट बॉक्स पे देना, ये प्रीमियर सेशंस है। तो कल से बेल्ट, जैसे बोलते हैं ना, फासन योर सीट बेल्ट, जब हम एयरलाइंस एरोप्लेन पे बैठते हैं, तो वैसे ही फासन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी फॉर टुमारो सेशंस। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, 19-21 रहेगी तो आप मुझे गाइड कर सकते हो। और यही कहूंगी कि प्लीज गाइस शेयर करना, हिम्मत मत तोड़ना, और अगर आपको हिम्मत और सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपको फीडबैक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज जितना हो सकता है शेयर कीजिए, वायरल कीजिए वीडियोस को, और ये सेशन देखना जरूर, ठीक है। तो आपके प्रीमियर सेशंस कल से लग जाएंगे, आप प्रीमियर सेशंस पे फोकस कीजिए, नॉलेज को जहां से मिलता है लीजिए, पर सेशंस को अगर अच्छे लगते हैं तो आपकी सिर्फ इतनी सी है कि मेहनत को हर उस जगह पे पहुंचाइए जहां पे लोगों को फायदा हुआ, अपने तक सीमित मत रखना। तो आज का सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पूजा गुप्ता फेसबुक पेज पे, कोई भी क्वेरी होती है पूजा गुप्ता पे फेसबुक पेज पे करिए, यूट्यूब पे कीजिए, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता। और अगर आपके सेशंस अच्छे चलते रहे तो बहुत जल्दी आपको PDFs भी मैं देना शुरू करूंगी, पर PDFs के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि टाइम, क्योंकि अभी पहले मुझे ये सेशंस चलाने दीजिए, जैसे ही लाइव सेशंस में आए तो मैं आपको ये PDFs का कंपाइलेशन देना शुरू कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ मुझे अपने आप को, मतलब अभी सिर्फ मैं ये सारे सेशंस ला रही हूँ, तो आप सोच लीजिए कि 3 से 4 बजे तक बनाना करना आपके लिए है। तो प्लीज मेरा सा हाथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता तब भी आप जो है नीचे फीडबैक दे सकते हैं, कोई गलती हो जाती है तो मेरे को माफ करना प्लीज, इतनी कोशिश करना, मैं अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप पे है और ऊपर वाले पे है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे सुबह से कल से एक नए सेशन के साथ, एक नए अवतार में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, लाइक शेयर करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी।